क्रिकेट के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे भारत में चल रहा है रणजी ट्रॉफी, जिसमें मुंबई और बड़ौदा के बीच मैच खेला गया और इस मैच में एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया जो इससे पहले कभी नहीं बना था। जी हाँ गाइज, आप लोगों को बता दें कि इस मैच में एक समय मुंबई की टीम 337 रन पर 9 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन मुंबई के अंतिम बल्लेबाजों ने खतरनाक बल्लेबाजी की, जिसमें तुषार देशपांडे ने 123 रन बनाए तो वहीं तनुष कोटिया ने 120 रन बनाए और मुंबई के स्कोर को 569 रनों पर पहुंचा दिया। और दोस्तों, ऐसा 78 साल बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यह कारनामा हुआ है कि लास्ट के दो बल्लेबाजों ने शतक ठोका हो। तो दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।